अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। मेरा नाम फिरदौस फातिमा है। 27 नवंबर 1993 को मेरी बर्थडे आती है, तो गाइज आप लोग मेरी एज भी गैस कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। मैं 4 महीने पहले इस्तांबुल तुर्की मूव हुई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और बेसिकली मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। इस पेज को बनाने का मेरा मकसद क्या है, इस पेज के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, इस पेज पे मैं क्या कंटेंट डालने वाली हूँ, ये सब आपको मेरी आगे वीडियोस में पता चल जाएगा, क्योंकि ये मेरे पेज की सबसे पहली वीडियो है जिसको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कहूंगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोज पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना ना। चलिए गाइस, तो फिर कराची चलते हैं। अरे अरे रुकिए जरा, मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं कराची पाकिस्तान में क्या करती थी। तो बेसिकली मेरी मोटिवेशनल स्टोरी ऑल इन वन एंड इवेंट प्लानर से स्टार्ट होती है, जो कि मेरा बिजनेस था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर उनके पेजेस मौजूद है। स्क्रीन पर मैं लोगो मेंशन कर रही हूँ, ऑल इन वन एंड इवेंट प्लानर्स। अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वो बेसिकली मेरा अपना बिजनेस था जो कि आज भी पाकिस्तान में मेरी फैमिली रन कर रही है। वहीं से मेरी मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो चलिए आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि मैं ऑल इन वन एंड इवेंट प्लानर के साथ साथ एक गर्ल राइडर भी रह चुकी हूँ। जिस तरीके से मुझे राइडिंग का शौक है, इस तरीके से मुझे शायरी का भी बहुत शौक है, और मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपनी बाइक भी रेड कलर में ली थी। तो कुछ शायरी और कुछ बाइक राइडिंग को मिलाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बाइक के ऊपर एक शेर लिखा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आपको मेरी शायरी के टैलेंट का भी पता चलेगा। आज लाल बाइक है तो कल लाल गाड़ी होगी, आज लाल बाइक है तो कल लाल गाड़ी होगी, एक दिन अपनी भी आलीशान सवारी होगी। जैसे कि गाइस, मैंने आप लोग को बताया कि मैं खुद एक बहुत मोटिवेशनल हूँ और पॉजिटिव हूँ, और साथ साथ मैं दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ, उनको भी पॉजिटिव रखना चाहती हूँ और किसी के लिए मोटिवेशनल बनना चाहती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान में ऑल इन वन एंड इवन प्लानर संभालती थी, बाइक राइड करती थी, शायरी के शौक को भी पूरा करती थी, इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत मोटिवेशनल चीज बताना चाहती हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज लिए हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, मेरे ऊपर काम किए गए हैं, मेरे साथ टॉक शो किए हैं। उसकी सारी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद कर दी है। आप लिंक्स को फॉलो करके मेरे सारे इंटरव्यूज को, सारे वीडियोस को, सारे डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो गाइस, कराची का सफर खत्म हुआ। मेरा मतलब है कि फिरदौस पाकिस्तान से उठ के इस्तांबुल आ गई, इस्तांबुल तुर्की। मैं यहाँ पर 4 महीने से हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मुझे YouTube चैनल बनाने पे बिल्कुल मजबूर कर दिया, जिसने मुझे फोर्स किया इस बात को लेकर। तो मैं आपसे एक मोटिवेशनल चीज शेयर करना चाहती हूँ, आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहती हूँ और मैं दूसरों के लिए मोटिवेशन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस्तांबुल आने के बाद मेरे साथ क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी मोटिवेशन चीज हुई जिसको मैं आप लोगों को तक शेयर करना चाह रही हूँ, और उसकी वजह से मैंने YouTube चैनल बनाया। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैं यहाँ पर यबांजी थी। यबांजी मतलब विजिटर्स, टर्किश में विजिटर्स को यबांजी कहते हैं। यहाँ पर काफी लोग इंडिया से, ईरान से, इराक से, शाम से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं। काफी ऐसी फैमिलीज है जिससे मेरी मुलाकात हुई, काफी ऐसी पाकिस्तानी सोसाइटी है जिनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मेरी जितनी भी कम्युनिटी से मुलाकात हुई थी, जितनी भी कम्युनिटी से मैं मिली और जितने भी लोगों से मैं आज तक मिली हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज नोट की, कोई भी अगर आया है, लाइक अगर कोई फैमिली आई है, कोई लेडी आई है, तो या वो अपने फादर के साथ आइए, या वो अपने ब्रदर के साथ आइए, या वो अपने भाई भाभी के साथ आइए, या वो अपने ननदों के साथ आइए, या तो वो 2 बहनें मिलकर आइए या 2 फ्रेंड्स मिलकर आइए। मतलब मैंने यहाँ पर देखा कि कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट लेडी नहीं है, कोई भी सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के लिए यहाँ पर नहीं आई है। और तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कोई भी सिंगल पेरेंट यहाँ मौजूद नहीं थी, कोई भी सिंगल लेडी यहाँ पर नहीं थी। ये चीज मुझे बहुत अंदर से मोटिवेशन हुई, मुझे अंदर से मोटिवेट कर गई कि यार ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई हूँ, और मैं लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल हूँ कि अगर आप सिंगल पेरेंट है तब भी आप अपने बच्चों के लिए स्टेप उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। पेज को बनाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वो लड़कियां जो मोटिवेटेड नहीं है, जो डीमोटिवेट हो जाती है, जो लोगों की बात सुनकर घर में बैठ जाती है, जो डिवोर्सी है, जो सेपरेटेड है, जो सिंगल मदर है, जो विडो है, जो अपने लिए काम करना चाहती है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, मैं उनको सपोर्ट करना। किसी के भी चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, और किसी के भी आपकी जिंदगी में आ जाने से आपकी जिंदगी नहीं थमती है। आपकी जिंदगी जैसी है वो वैसी ही चलती रहती है। जिंदगी की लाइन जो है वो ऊपर नीचे होती ही रहती है। मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। मेरी वीडियोस किस टाइमिंग्स पे देखी जाए? देखिए, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, मोबाइल जो है वो हमारी जरूरियात जिंदगी में शामिल हो चुकी है। मोबाइल ऐसी चीज है कि जब आप ऑफिस से घर आते हो, थके भी होते हो, तो आप खाना खाते हो, नमाज पढ़ते हो, उसके बाद
पलंग पे लेटने के बाद आप नॉर्मली मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हो, जैसे कि ये मेरे हाथ में मोबाइल है और पलंग पे लेटे लेते मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही होती हूँ, डाउन करते हो, कभी आप फेसबुक देख रहे हो, कभी आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, कभी आप टिकटॉक देख रहे हो, कभी आप वीडियोस देख रहे हो, कभी आप यूट्यूब देख रहे हो। तो ये मेरा मशवरा है कि जब आप रात में थके हारे पलंग पे लेटे होते हैं, जब आपके पास कोई टाइम नहीं होता, वो टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने लिए सोचना होता है, वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की चीजें सोच रहे होते हो, वो टाइम ऐसा होता है कि आप पूरी दिन की थकावट के बाद सोच रहे होते हो कि यार मैंने जिंदगी में आगे क्या किया, मैंने आगे क्या करना है। कुछ को पॉजिटिव फीलिंग आती है, कुछ को नेगेटिव फीलिंग आती है। अक्सर लोग अपनी रात की जो तनहाई है उसको मोबाइल में गुजारते हैं और ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल अच्छा है कि रात में आपने मोबाइल उठाया, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की ये वीडियोस होगी, आपने इसको देखा, आपने इसको समझा, आपने इससे मोटिवेशन हासिल की। आप जैसे कि सूरज की पहली किरण जो है वो रोशनी के काम आती है, इसी तरीके से जब आप रात में ये वीडियोस देखकर मोटिवेशन होकर सोओगे, मोटिवेटेड होकर सोओगे, पॉजिटिव होकर सोओगे, तो आपको सुबह बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आपको जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, इसके आपके पास गोल्स शामिल हो जाएंगे। गाइज, मैंने अपने वीडियोस के लिए 3 सेक्शंस रखे हैं जिसमें मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे अगला कंटेंट कैसा बनाना है, किस पॉजिटिव चीज को लेकर चलना है, किस टॉपिक को लेकर चलना है। तो मैंने पहला सेक्शन ये है कि अगर आप मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो टर्की मूव होने का हो, चाहे वो कराची छोड़ने का हो, चाहे वो कराची में रहने का हो, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके माइंड में मुझे लेकर आता है वो आप जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिले। सेकंड सेक्शन मैंने एक टॉपिक का रखा है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं मोटिवेशनल टॉक करूं, देखिए मेरे पेज का नाम है मोटिवेशनल टॉक बाय फिरदौस। आप अपने क्वेश्चंस को या आप अपने टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डालने के बाद मैं इसको पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर पढ़ूंगी। मेरा तीसरा सेक्शन और आखिरी सेक्शन ये है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में मौजूद है, जो आप इसे टैकल नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं सिचुएशन को कैसे कोप अप करूं, मैं सिचुएशन के साथ कैसे काम करूं, मैं सिचुएशन के साथ कैसी चीजें करूं, आपको कोई भी मशवरा चाहिए, कोई भी पॉजिटिव फीलिंग चाहिए, कोई भी मोटिवेशन चीज चाहिए, मैं आपको आपके कमेंट के बाद जरूर बताऊंगी। तो गाइज, ये मेरे पेज की सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें मैंने ये बताया कि मैं खुद कौन थी, क्या थी, कहाँ से उठकर कहाँ आ गई, कैसे मोटिवेशन हासिल की, शौक रहे हैं, मैं किस तरीके से मोटिवेशन हुई, किस तरीके से मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, किस तरीके से मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग पे चलती रही है और मैं यहाँ पर आकर पहुंची हूँ। तो मैं आप लोग को भी यही सजेशन देना चाहूंगी कि जो मेरा तीसरा सेक्शन है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है जिसको मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे आप मोटिवेशन चाहते हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मेरी लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हो जिसमें कोई मोटिवेशनल स्टोरी छुपी हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपने बहुत मोटिवेशन हासिल की होगी, आपको एक अच्छी न्यूज मिली होगी और आपको एक अच्छा पेज मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक चारों पर मौजूद है। लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दी है, आप जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। जिंदगी खुलकर जियो, जिंदगी खुलकर जियो, जब तक कि मौत गले ना लगा ले।